कीर्तिमानं जसोजस्य सकृदा कर्ण रोचनं तस्मिन्यस्त धियः पार्था सहेरन विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनाशन भोजन ही सत्संगन मुक्त दुह संग वैष्णवों के संग से साधुओं के संग से जिसका दुह संग छूट गया वह व्यक्ति भगवान कृष्ण के रोचनम जस अत्यंत प्रिय जस को कथा को सुन करके हातुम न सहते वो छोड़ना नहीं सह सकता। साधु के संग में होने से दुःसंग से मुक्त हो जाता है आदमी। दुःसंग क्या है? परिवार का संग। परिवार का संग दुःसंग कहा गया है शास्त्र में। दूषित संग है, अटैचमेंट अर्थ होता है संग का। साधु में जब आसक्ति होती है, भगवान के भक्तों से जब प्रेम होता है, तब देह पर आधारित जो प्रेम है वो अब शिथिल होने लगता है। क्योंकि साधु के साथ प्रेम होने का मतलब है वो आत्मा का संबंध है, वे आत्मा के बंधु हैं। तो सत्संगान मुक्त दुःसंग, सत्संग से दुःसंग छूटता है। पुत्र परिवार समाज की जो आसक्ति है वह दुःसंग है, मतलब भगवान श्री कृष्ण से विमुख है। करने वाले जितने भी संबंध हैं, जो भी आसक्ति है वो है दुःसंग, दूषित संग। लेकिन दूषित संग से कुछ भाग्यवान जीव मुक्त होते हैं। कैसे? सत्संगात, सत्संग से। सत का अर्थ है भगवान का भक्त, वैष्णव। तो वैष्णव के संग से कथा कीर्तन सुन करके जिसका दुःसंग छूट गया है, परिवार आदि की आसक्ति छूट गई है, ऐसा व्यक्ति जस्य रोचनम जसह सकृत आकरण, जिनके सुंदर रुचिकर जस को कीर्ति को एक बार सुन करके भी छोड़ने का उत्साह नहीं रखता, एक बार, और बारंबार जिसे सुनने को मिल गया हो कैसे छोड़ेगा, हेमूत न्याय इसको कहते। एक बार भी जिसे श्रीकृष्ण की कीर्ति सुनने को मिल गई वह उस कथा को नहीं छोड़ सकता है, यदि वो मुक्त दुःसंग है तो फिर श्रीकृष्ण में ही जिनकी बुद्धि आविष्ट थी वे पांडव या हस्तिनापुर के लोग भगवान के बिना कैसे सह सकते थे, कृष्ण में कैसे उनका मन आविष्ट हो गया था, दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजन एक साथ करने से, दर्शन देखने से आसक्ति हो जाती है। मनुष्य जिसके साथ ज्यादा दिन रहता है उसको देखते 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 उसमें आसक्ति हो जाती है। जैसे मान लीजिए अपना बेटा है तो पहले तो अदृश्य था, पहले तो दिखाई नहीं दे रहा था, गोद में आ गया तो देखते 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 तस्मी न्यस्त दिया, उसी में बुद्धि न्यस्त हो जाती है, लग जाती है मेरा है मेरा है मेरा है। और दो चार दिन न देखे तो फोन करने लगता हो, अब कैसे हो, देखे बिना नहीं रहा जाता, देखो देखो। और उस नहीं देखने लायक लोगों का भी फोटो खींच खींच कर अपने घर में भर देते, और भगवान का फोटो नहीं रहा। ये प्राय घरों में देखिए, कभी कभी तो लोग अपना ही फोटो अपने ही घर में रख देते, अपना फोटो रख दिए, खास करके स्त्री पुरुष। कृपा करके अपने पिताजी का भी फोटो रख देते हैं स्मृति के लिए, लेकिन ज्यादा अपना फोटो चाहते हैं। यह अपने साथ आ सकती है और अपने देह के संबंधियों में आ सकती है। ये क्यों बुद्धि आविष्ट हो जाती है? पहला कारण है दर्शन। हम जिसको देखते हैं उसमें आसक्ति हो जाती है। यहां डोंबिवली का आदमी जो नहीं गए होंगे विदेश में, तो विदेशी किसी वस्तु में या
वस्तु नहीं, मतलब व्यक्ति में कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि देखे नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो वस्तु आपके सामने नहीं है तो मन से भी वो निकल गए। आसक्ति छोड़ने का यह एक उपाय है, जिसे आप दुसंग दूषित आसक्ति छोड़ना चाहते हैं उससे थोड़ा दूर रहना चालू कीजिए, बस आसक्ति चली जाएगी। और दूसरे कारण दे रहे हैं स्पर्श, स्पर्श साथ साथ रहना है, छूना, इससे आसक्ति हो जाती है, खास करके बच्चों में। बच्चों को गोद में लेकर के कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खिलाते रहते हैं, उनको छूना चाहते हैं हमेशा, उत्तोलन करके, चुम करके, रख करके। इसके लिए वास्तव में मनुष्य शरीर नहीं आया, उसका पालन पोषण कर दिया, सुलाया, खेलने के लिए छोड़ दिया, बाकी तुम अपना काम करो। हमारा अपना काम छोड़ करके उनको खिलाना नहीं है। कुछ लोग तो टांगे चलते हैं, जहां जाते हैं वहां वो जट भरत जी की तरह उठाए रहते हैं, हरिण को जैसे उठाए रहते हैं। कई लोगों को देखा गया, बहुत आसक्ति होती है। अच्छा, तीसरी आसक्ति का कारण है संलाप, बातचीत। आपस में जब कॉन्फिडेंशियल बातचीत होने लगती है तो बातचीत एक दूसरे के विश्वास को प्रकट करने वाली होती है, तो आसक्ति बढ़ती जाती है। कुछ लोग तो केवल बात करने के लिए साथ रहना चाहते हैं, बिना बात किए रहा नहीं जाता। भोजपुरी में कहते हैं बिना बतियावले रहा नहीं रहा जाता। लोग ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो 12-12 घंटा बातचीत करते रहते, और गए अपने अपने घर खाने के लिए, खा करके आए फिर बात करना चाहते और उनके मन में एक अभाव रहता है कि अगर भेंट ना हो तो सोचते हैं वो भेंट नहीं हुआ, चले कुछ बातचीत होगा, बातचीत हो। संलाप भी आसक्ति करा देता है, इसलिए वैष्णवों के साथ बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, भले रात बीत जाए, सीधे 3:30 बजे तक बात हो और नहा करके मंगल आरती में जाए इस तरह की आसक्ति होनी चाहिए। बात करते करते पूरी रात बीत जाती है। तो जिन लोगों को भगवान कृष्ण से इस तरह की बात करने का अवसर मिला था, साथ साथ नित्य रहते थे, बात करते थे, वे कैसे कृष्ण का विरह सह सकते थे, जब हम लोग ये हार चाम का विरह नहीं सह सकते। तो चिन्मय भगवान का संग कोई कैसे छोड़ सकता था, कैसे सह सकता था। यहाँ के जीवन में वास्तव में किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, टेम्पररी है। तो जब इसमें इतनी आसक्ति होती है तो भगवान के साथ कितनी आसक्ति संभव है, जो कि हमारे अपने वास्तविक बंधु हैं, जन्म जन्म में साथ हैं, अनादि काल से अनंत काल तक साथ रहे। तो उनसे बातचीत करने का अवसर आवे, उनको छूने का अवसर आवे, तो कितनी आसक्ति होगी। इस जगत में तो हम लोग आत्मा को छू भी नहीं पाते है कि नहीं, आत्मा देह में रहता है तो हम लोग देह को छूते हैं, यदि देह छोड़ करके चला जाए तो फिर वो देह नहीं छुएंगे, है ना, फिर तो कहेंगे मुर्दा हो गया। और कोई छू भी दिया तो वस्त्र सहित स्नान करना पड़ता है, तो देह अपवित्र है, छूने लायक नहीं है। लेकिन यह जड़ अपवित्र देह भी छूते छूते बहुत अच्छा लगने लगता है, उसको आदमी छूना चाहता है। तो फिर चिद घन आनंद घन भगवान का शरीर जिनको छूने को मिल रहा है, और वो कैसे वो छूना छोड़ सकते थे, जो आलिंगन में छूने को मिलता था, चरण छूने को मिलता था, हाथ मिलाते थे छूने को मिलता था, मिलने को बारंबार भगवान के साथ, कैसे उसको छोड़ सकते थे। संलाप शयन एक साथ सोने से भी आसक्ति बढ़ती है, प्राय देखा जाता है जो लोग साथ साथ सोते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां सो रहा है, कोई यहां सो रहा है, तो
मन में इच्छा हो जाती है कि हम मेरे साथ रहे, अकेले नहीं सोगा, अकेले सोचेगा अकेले तो भूत चढ़ बैठेगा मेरे ऊपर साथ में रहे। शयन आसन और एक साथ बैठना, एक साथ बैठने से भी आसक्ति हो जाती है। और भोजन ही एक साथ खाने से, तो भगवान श्री कृष्ण साथ साथ खाते थे बैठते थे, जैसे हम लोग बैठे हैं ऐसे बैठते थे, लोग देखते थे, बातचीत होती थी, सब कुछ होता था। तो उस कृष्ण में जमी हुई आसक्ति को कैसे छोड़ सकते थे, कैसे उनका विरह सह सकते थे, इसीलिए सब मूर्छित हो गए। आश्चर्य भगवान का विरह नहीं सह। हम लोग तो उनके संजोग को ही नहीं सह रहे, विरह ही केवल है। ये समझना चाहिए कि वह व्यक्ति भक्ति में उन्नति कर लिया जिसे भगवान श्री कृष्ण के विरह की अनुभूति होने लगी कि ओहो कृष्ण दूर है, हमसे मिलन नहीं हो रहा है, उनका दर्शन नहीं हो रहा है, ये भावना जब आने लगे तो समझिए कि अब कुछ कुछ भक्ति उत्पन्न हो रही है। और नहीं मस्त है, दुनिया के खान पान में संतुष्ट है, भगवत विरहानुभूति नहीं हो रही है, तो कुछ भी विकास नहीं। हम लोग तो विरह में है ही है ना, साथ नहीं, लेकिन विरह की अनुभूति नहीं। ऐसा थोड़े अभाव अनुभव हो रहा है कि भगवान हमसे दूर है, ये है, हाय 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 हाय, कोई अनुभूति नहीं हो रही। लेकिन पांडव और उनके परिवार और उनके और भी संबंधी सब मूर्छित हो गए। नाम लिखा गया है मुख्य लोगों का, सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गंधारी धृतराष्ट्रश्च जुयुत्सु गौतमो जमल बृकोदरश्च धौम्यश्च। अर्जुन का नाम नहीं आया है क्योंकि अर्जुन विरह में नहीं हो तो साथ जा रहे हैं, उनको कोई दुख नहीं। दुख उन लोगों को है जो अब हस्तिनापुर में रह जाएंगे, ये बहुत भारी दुख की बात है उन प्रेमियों के लिए। लेकिन अवसर पाकर सूत गोस्वामी इतना सुंदर सिद्धांत यहां बोले हुए हैं, इस पर बारंबार विचार करना चाहिए। वास्तव में यदि वास्तविक साधु होगा, वास्तविक भक्त होगा, तो वह दुसंग छोड़कर भक्त का संग करके और कथा सुनेगा। यह प्रोसेस है, देखिए सत्संग ये प्रारंभ है। सत्संग से, सत्संग के कारण मुक्त दुसंग हो गया। लेकिन पहली विशेषता चाहिए उस व्यक्ति के लिए बुद्धा, यदि विद्वान है, समझदार है, तो सत्संग करके वह दुसंग से मुक्त हो जाएगा। और दुसंग से मुक्त होकर के भगवान के कथा को एक बार भी यदि सुन ले तो उसे नहीं छोड़ सकता। हातुम न उत्साहते, मन में कभी छोड़ने का उसको उत्साह नहीं होगा। तो यह कैमूत न्याय है कि जिनकी कथा में इतना आकर्षण है, जिनके जस में इतनी मादकता है कि मनुष्य अपने पुत्र को, अपने प्रिय परिवार को भी छोड़ सकता है, उनकी आसक्ति को छोड़ सकता है पर कथा नहीं छोड़ सकता है, तो फिर उन्हीं भगवान के साथ जो बैठे एक साथ, खाए, घूमे, शयन किए, उनको देखे, उनको छुए, वे कैसे उनका विरह सह सकते थे। यह है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम। सब जगह दिखाया गया है किस तरह भगवान के भक्त होते हैं, भक्ति क्या चीज है। इसीलिए जहां तहां पहले तो गिर करके मूर्छित हुए और बाद में यह प्रेम का अनुभव है कि बाद में जब होश आया तो वे और छटपटाने लगे, हाय है कृष्ण जा रहे हैं और मैं यहाँ गिरा हुआ हूँ। तो फिर उठ करके कृष्ण को कुछ विदा देते अपनी पूरी शक्ति से,
विष्णु को विदा देने लगे और जहां जहां हम जा रहे थे घूम रहे थे। तस्मिन न्यस्त धिया पार्था सहेरन विरहम कथम कथम विरहम सहेरन कैसे सह सकते हैं, क्योंकि दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजन ही तृतीया में दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजन ही तस्मिन न्यस्त धिया इन्हीं उपायों इन्हीं कार्यों से दर्शन स्पर्श संलाप आसन शयन और भोजन से लोग कृष्ण में अपने मन को पूरा न्यस्त कर चुके थे। न्यस्त न्यस्त समझते हैं न्यास धरोहर रख देना, जैसे कोई आदमी अपना धन बैंक में रख देता है तो न्यस्त कहते कहीं रख देना। ऐसा नहीं था कि उनका मन थोड़े देर के लिए कृष्ण में लगा था इसके बाद अपने देह में या पुत्र परिवार में लग जाता था, जो कृष्ण में लगा तो वही न्यस्त हुआ वही रखा हुआ है और वहां से आ नहीं रहा है। न्यस्त शब्द बता रहे रख दिया गया मतलब कृष्ण ने उनको चित्त को पकड़ लिया था अपनी हंसी से अपने स्पर्श से बातचीत से साथ साथ बैठने से संलाप से, अब इनका मन आ नहीं रहा था अपने से न्यस्त दिया होता है न्यस्त ये शिला न्यास करते हैं न्यस्त शिला हो जाती है तो वो तस्य मस नहीं वहीं पड़ी रहती। इसे बुद्धि न्यास जैसे शिला न्यास किया जाता है ऐसे कृष्ण में बुद्धि न्यास धी न्यास किए धी न्यास न्यस्त दिया। बहुत बहुत साधन करना है अभी उस दिन पता चलेगा कि हम भक्त हो गए जिस दिन कृष्ण से बुद्धि एक मिनट भी इधर उधर न जाए तब समझना चाहिए कि अब परफेक्ट हो गए नहीं अब ठीक हुई अब चालू हुई भक्ति ही अभाव चाहने पर भी मन उनसे न हटे। गोपीजन चाहते थे कि कृष्ण से मन हटा करके कुछ घर का काम धंधा करें लेकिन वो हटता ही नहीं था जिसको बुद्धि न्यास कहते हैं। तो इस स्टैंडर्ड से अपने मन को देखना चाहिए कि हमारा मन कितना कृष्ण में न्यस्त है। ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। हम लोग जो ये साधन कर रहे हैं हरिनाम जप करते हैं भगवान की आरती करते हैं भागवत पढ़ते हैं सुनते हैं तो यह प्रारंभ है लेकिन इसको बहुत तीव्रता से करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति जो है तत्परता के साथ केवल रूटीन पालन से ये आएगा नहीं कृष्ण प्रेम आग्रह से आएगा। रूटीन पालन कुछ लोग करते हैं जैसे मान लीजिए डाकिया है और डाकिया आपका पत्र पहुंचा दिया लेकिन पत्र में क्या लिखा गया है इससे उसको कोई मतलब नहीं। बारात का भी निमंत्रण डाकिया देता है तो मरण का भी निमंत्रण देता है लेकिन उसको न बारात से मतलब है न किसी के मरणोत्सव से मतलब। इस तरह की भक्ति नहीं होनी चाहिए। नियम बना दिया गया है अपन कुछ गा लिए कुछ कर लिए कुछ चंटिंग कर लिए नियम के कारण नहीं करना है। करना है कृष्ण की प्रीति बढ़ाने के लिए बहुत तत्परता से आग्रह कहते हैं उसको जितना ग्रह बिना भक्ति न जन्माए प्रेम है आग्रह होना चाहिए करना ही है करना ही है करना ही है। इसलिए नहीं करना है कि गुरु ने कहा है इसलिए करना है नहीं करेंगे तो नरक में गिर जाएंगे इसलिए करना है। भक्ति उसको कहते हैं कि यही नाम जप यही भागवत पढ़ना जब हम अपने लालसा से करते हैं तब उसको भक्ति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए खाना है तो खाना आप केवल इसलिए नहीं खाते हैं किसी ने कहा कि खा लो तो खाए तो कह दिया है इसलिए रूटीन से खा लो नहीं हम अपनी आवश्यकता से खाते हैं आग्रह होता है खाने में भूख लगती है हम बाध्य हो जाते हैं खाने के लिए। तो इस तरह से भक्ति के लिए एक लालसा लगन होनी चाहिए हमें करना ही है इसको। इस तरह की भक्ति करते हैं तब एक दिन भगवान में बुद्धि न्यस्त हो जाती है अचल हो जाती है। ये सब लोग निमेष नेत्रों से जहां जहां कृष्ण जा रहे थे
उनको देख रहे थे। सर्वे ते अनिमिषय अक्षय तमनु द्रुत चेत सविक्षमत स्नेह संबद्धा विचेलुष तत्र तत्र। जहां जहां कृष्ण जाते थे सब लोग वहीं पीछे पीछे चले जाते थे उनको देखते हुए, उनके मुख पर देखते हुए। क्यों उनके पीछे पीछे जा रहे थे? क्योंकि बंधन था। जैसे मान लीजिए किसी बिगड़े हुए ट्रक को जिसका इंजन फेल कर गया है, ये कोई कार है तो जिसका इंजन काम कर रहा है ऐसे एक बड़े गाड़ी में उसको जोड़ करके और ले जाते हैं। जहां जहां वो जाएगा अगली गाड़ी जाएगी तो पीछे वाली गाड़ी भी, जो जिसका इंजन खराब हो गया है वो कार भी पीछे पीछे घसीटती हुई जाएगी। तो ये लोग कृष्ण के पीछे पीछे जा रहे थे। वो घर से निकले बाहर हो गए हस्तिनापुर से फिर भी उनके पीछे पीछे जा रहे। क्यों? ये आगे वर्णन आएगा कि गांव से बाहर भी चलेगा, अभी तो गांव में है, अरे हस्तिनापुर में। क्यों जा रहे थे? क्या बंधन था? स्नेह संबद्धा, स्नेह की डोरी से खींचे जा रहे थे, स्नेह का बंधन लगा था, सब कृष्ण के पीछे पीछे जा रहे थे उनको देखते हुए। विक्षमत कैसे? अनिमिषय ही नेत्र ही अक्षय, अक्षय माने नेत्र, आंखों पर पलक नहीं गिर रहा था। वे सब सोच में थे कि पलक न गिरे, देख लो पता नहीं कब आएंगे कब आएंगे। आंखें बेचारी तड़प तड़प करके देख रहे, सबसे ज्यादा अफसोस आंखों को हो रहा है। मन तो द्वार का भाग जाएगा, वो तो देखा करेगा, मन को उतना फेर नहीं था। आंखें बहुत दुखी थी, कब देखने को नहीं मिलेगा, खूब भरपेट देख लो देख लो देख लो देख लो। इस तरह उद्धव जी जाकर के ब्रज में जब संदेश दिए कि तुम लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करो, ये करो वो करो, ब्रह्म का चिंतन करो, क्यों दुखी हो, सब जगह है, हृदय में भी है, तो गोपीजन कहते हैं कि ठीक है आप जो कुछ कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है हम हूं पहचानती हैं, हमको भी मालूम है कि ब्रह्म सब जगह है, सब थल में है। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है हम हूं पहचानती हैं, पर बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती। लेकिन नंदलाल के बिना हम बेहाल, हमें ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा है। आप जैसे कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं ऐसे इधर से आज ही संदेश लेकर जाइए, एक ही संदेश लेकर। क्या दे रही है संदेश? कि तुम उद्धो यह कहिए उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती। जाकर उनसे यही कह दीजिए कि गोपियों को कोई दुख नहीं है लेकिन उनकी आंखें व्याकुल हैं, दुखिया आंखिया को समझा नहीं पाती। वास्तव में भगवान के रूप के साथ आंखों का संबंध है, तो आंखें कभी कभी मन को बहुत कोसती हैं कि तुम तो कहीं भी चले जाते हो चिंतन करते रहते हो, तुमको तो कोई दुख है नहीं, दुख तो हमें है क्योंकि सामने रहेंगे तो हम देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो अनिमिष से अक्षों से आंखों से कृष्ण के मुख को देख रहे थे और चित्त बह रहा था कृष्ण के तरफ, स्नेह का बंधन था। इस कारण से जहां जहां कृष्ण जा रहे थे, मतलब कुछ गुरुजनों से मिलने जा रहे थे अथवा रथ पर चढ़ चुके हैं, निकल रहे हैं राजभवन से, रोड पर हो गए, पथ पर हो गए, तो उनके पीछे पीछे सब चल रहे हैं। तो जिस समय देवकी नंदन निकल रहे थे घर से यात्रा का नियम माना जाता है कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो तो यात्रा के समय वह आंसू देख करके न जाए, ये नियम बनाया गया है। कोई स्वजन उसके सामने रोए न, आंसू देख करके न जाए, नहीं तो दुखी रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई किसी से विदा हो रहा है, विदा देने वाला व्यक्ति बहुत रो रहा है तो उसको रोता हुआ देख करके वो जाएगा तो रास्ते में भी चिंतन करता रहेगा,
बहुत बहुत उसे चिंतन होगा अपने प्रिय का कि वो दुखी है, तो रास्ते में वो सुख से नहीं जाएगा। और यह भी माना जाता है कि आंसू देख करके कोई विदा होता है तो उसका अमंगल होता है। तो बांधव स्त्रियां अपने बंधुओं की स्त्रियां जैसे कुंती द्रौपदी आदि, अब ये उमड़ते हुए आंसुओं को रोक रही थी, आंसू न आने पावे, कृष्ण का अमंगल न हो, कृष्ण दुखी न हो। लेकिन उद्गलद वाष्प माने आंसू, आंसू उद्गलद आंखों से निकल निकल कर ढर ढर करके गिर रहे थे, तो गिरते हुए आंसुओं को अपने मुख को पीछे करके नीचे करके वे अपने आंचल से पोंछ लेती थी, कृष्ण आंसू न देखें, आंसू न देखें। लेकिन वे आंसू उमड़ते ही जा रहे थे, उमड़ रहे थे बराबर। तो निरुंधन उद्गलद वाष्प आंखों से उमड़ते हुए आंसुओं को आंखों में ही रोकने का प्रयास कर रही, यह अजीब व्यवस्था है। यदि कोई आदमी शोक में विरह में रो लेता है तो रोने के बाद कुछ जी हल्का हो जाता है, लेकिन वो तो स्त्रियां रो भी नहीं सकती, अजीब दशा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है बहुत सुंदर कैकेयी के बारे में, कैकेयी अपने मन के दुख को छिपा ली। जब राजा दशरथ आए कोप भवन में तो कहते हैं प्रिय तुम्हारी इच्छा पूरी करने का अवसर आ गया, तुम जो चाहती थी वो समय आ गया, मैं राम को राज्य देने जा रहा। इसी के विरोध में वो गए थे तो ऐसे वो पीर बिहसे मुख गोई चोर नार जिम प्रकट न रोई, तो कही गई ऐसे दुख को भी छिपा ली और ऊपर से हंसने लगी। हाँ ठीक कहते हैं, अच्छा राम को राज दे रहे हैं। अगर उसके चेहरे को राजा दशरथ पहचान लिए होते कि राम को राज देना सुन करके और इसको दुख हो गया तो शायद वो सावधान हो गए होते, लेकिन इतना हंस करके बोली और अपने दुख को छिपा ली, जैसे चोर नारी जिम प्रकट न रोई, जैसे कोई चोर हो और चोर को राजा ने पकड़ लिया हो या उसको मार दिया हो जान से, तो चोर की नारी रोएगी नहीं तो भेद खुल जाएगा कि ये उसकी स्त्री है तो उसके यहां भी छापा मारा जाएगा और माल पकड़ा जाएगा तो वो भी जेल जाएगी। तो चोर नारी जिमी प्रकट न रोई, वो रो लेती है लेकिन अप्रकट, छिप करके घर में रो लेगी कि हमारा पति मारा गया है, हमारा पति जेल में है, प्रकट नहीं रोती। इस तरह से वो कैकेयी अपने मन के दुख को छिपा ली और ऊपर से क्या कहती है, मांग मांग पै कहू पिए कबहू न देहू न ले, देन कहू वरदान दो सौपावत संदेह। हे प्रियतम आप मांग मांग तो हमेशा कहते हैं लेकिन कभी दिए हैं, आपकी ये आदत है हमेशा आप कहते हैं कुछ मांगो कुछ मांगो लेकिन कभी कुछ दिए लिए नहीं। याद है बहुत बरस पहले दो वरदान तो अभी रखी हूं, अभी वही दे दीजिए यही काफी है, अब नया क्या देंगे। तो राजा दशरथ कहते ओ हो हाँ क्या कहूं, मेरा भुलक्कर स्वभाव भूल गया और तुमने तो भी याद नहीं दिलाया, दो की बात कर रही हो, दो के बदले चार मांगो, अभी मांगो दे रहा, और राम की शपथ खा करके कहता हूं कि तुम जो मांगोगे दूंगा। त्रियाचरित समझ नहीं पाए, और जब राम का सौगंध खा लिए तब कहते ठीक है दे हूं एक बार भर तही टीका, पहला बार तो दीजिए कि राम को राज न देकर भरत को दीजिए। फिर भी राजा दशरथ खुश ही थे, कोई बात नहीं राम को राज्य का भूख नहीं है, हाँ भरत राजा हो जाएंगे ठीक। लेकिन मांगो दूसर कर बर जोर बर कर जोरी पूर्वम नाथ मनोरथ मोरी, मैं दूसरा बर हाथ जोड़कर मांग रही हमारी लालसा पूरी कीजिए,
बहुत दिन का वर रह गया है, फिर भी राजा दशरथ खुश थे। हाँ हाँ ठीक है, हाथ जोड़ने की क्या आवश्यकता, तुम तो मेरा प्रिय हो, मेरी प्रिय हो, हाथ मत जोड़ो, हुकुम करो, आज्ञा दो। तो कहती है तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। इतना सुनना था कि राजा दशरथ बेहोश होकर के गिर, तो मुझे यहां स्मरण आ रहा था कि जैसे कपट से भी आंसू को रोक लिया जाता है, तो कभी कभी ऐसी व्यवस्था होती है कि प्रेम में भी आंसुओं को जबरदस्ती दबा लिया जाता है। वो पता नहीं कौन सी कला है, कैसे आंसू रुक गया। निरुंधन, निरुंधन का अर्थ है कि अपने बंधुओं की स्त्रियों ने, कुंती द्रौपदी आदि ने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही दबा लिया। निरुंधन, अरुंधन शब्द नितरम अरुंधन, रोक लिया। क्यों? कि अभद्रम इति न स्यात्, अभद्र न होने पावे, कृष्ण का अमंगल न होने पावे, इसलिए आंसुओं को रोक लिया। निर्जाति अगारात देवकी सुत, देवकी सुत के घर से निकलते से जो कुंती महारानी को प्रणाम करके चले, सुभद्रा द्रौपदी ना ही है, लेकिन फिर भी आंसू रोक लिए। मृदंग शंख भैरजस्य वीणा पणव गो मुखा, जब श्री कृष्ण घर से निकले द्वारका जाने के लिए, तो 10 प्रकार के बाजे बजने लगे। पहले से ही ट्रेंड लोग बजा रहे थे भगवान को विदा देने के लिए। क्या किया जाए, देखिए विरह है, दुख है, लेकिन फिर भी विदाई देनी है। हम लोग लोक में देखते हैं पिताजी स्वयं ही अपनी कन्या का विवाह रचते हैं, दिन रखते हैं, विवाह रचते हैं, दूल्हा आता है, उसके साथ विदा करते हैं, रोते रहते हैं, फिर भी बाजा बजवाते हैं, वर वधु का मंगल होना चाहिए। देखते हैं पिताजी दुखी होते हैं, बेटी जा रही है ससुराल, रोते रहते हैं, लेकिन फिर भी बाजा बजते हैं और सब उत्सव होता है, मंगल होता है। तो यही संबंध भगवान के साथ है युधिष्ठिर महाराज का, विदा कर रहे हैं, विरह है, शोक है, फिर भी 10 प्रकार के बाजे बज रहे हैं एक साथ। मृदंग, मृदंग की आवाज सबसे श्रेष्ठ है और बाजों से, मतलब प्रधान स्वर है, इसीलिए मृदंग का नाम पहले दे रहे हैं। मृदंग शंख भैरवश्च, शंख बज रहे थे, बहुवचन में बहुत मृदंग बज रहे थे, और मृदंग बजाने वाले बजा रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई कीर्तन गा रहा और जो नहीं जानता वो भी लेकर के बजा देने लगे, तो फर्स्ट क्लास जानते थे बजाना, वे बजाने लगे। मृदंग शंख भैरवश्च, मृदंग शंख और भैरी, वीणा और पणव माने नगाड़ा, गोमुख धुंधुरी, आनक घंटा इत्यादि, और दुमदुम भिया, घंटा भी बज रहे थे और दुमदु भी, तुतु ही कहते हैं दुमदु भी को, ऊपर उठा करके बाजा बजाया जाता है, जैसे लोकनाथ महाराज का एक शिष्य बजाता है, उसका एक लव्य नाम है ना, वो तो खैर अंग्रेजी ढंग का है, लेकिन एक हम लोग गांव में देखे हैं बाजा होता है जिसका ऊपर का मुख ज्यादा चौड़ा होता है, नीचे पतला होता है, उसमें से आवाज तुतु हो ऐसे निकालते हैं, उसको दुंद भी कहते हैं। और भेरी का अर्थ होता है सहनाई। इस प्रकार 10 बाजे हैं, गिन लीजिए, मृदंग शंख भेरी बीड़ा पणव गोमुख धुंधुरी आनक घंटा और दुंदुभी, 10 बाजे बज रहे भगवान की विदा के समय। और श्री कृष्ण को देखने के लिए हस्तिनापुर की नारियां अपने अपने महलों के छत पर चढ़ गई, ऊपर अथवा खिड़कियों में देखने लगी, प्रासाद शिखरा हुआ, शिखर पर चढ़ गई, छत पर बिल्कुल चढ़ गई, दोनों तरफ हस्तिनापुर के राजपथ से भगवान चलने लगे और दोनों तरफ कुल नारियां
छतों पर चढ़ गई और फूल बरसा रही थी भगवान कृष्ण पर। बद्र सुख कुसुमय कृष्ण प्रेम बेड़ा स्वीपेक्षण, कृष्ण को देखने की लालसा से ऊपर चढ़ गए और कृष्ण को देखती हुई फूल बरसा रही है। किस तरह से देख रही है? प्रेम ब्रीड़ा स्मित क्षणा इक्षणा, उनकी दृष्टि कृष्ण के प्रति प्रेम लज्जा और मुस्कान से युक्त थी। ये तीन विशेषण है दृष्टि के। कुल नारियां कृष्ण को कैसे देख रही थी? स्नेह से देख रही थी और मुस्कान से देख रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान पर लज्जा का कंट्रोल था, ब्रीड़ा। स्त्री को हमेशा लज्जा के द्वारा नियंत्रित रहना चाहिए, सीखने की बात। जहां साक्षात भगवान परब्रह्म मौजूद है, उनको देखने में भी लज्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लज्जा नारी का सहज भूषण है, वस्तु नख से सिख तक सैकड़ों गहना हो और जिस नारी में लज्जा न हो तो वो बिना गहना के है, उसमें कोई भूषण नहीं। लज्जा नारी का बहुत बड़ा भूषण। यहां स्त्रियां देख रही थी कृष्ण पर को फूल बरसा रही थी। भगवान श्री कृष्ण उस समय जब निकल रहे थे तो दिन का समय था, एक छत्र लेकर, राजकीय छत्र बहुत सुंदर छापता है, रत्न दंड का बना हुआ लेकर गुड़ा केस खड़े हो गए। शीतात पत्रम जग्राह मुक्ता दान विभूषितम रत्न दंडम गुड़ा केश प्रिय प्रियतम अस्य प्रिय गुड़ा केश। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन अपने प्रियतम के मुक्ता दान विभूषित शीतात पत्रम रत्न दंडम जग्राह, आतपत्र शीत आतपत्रम जगा है, यहां से इसका संबंध। श्वेत वर्ण का छत्र लेकर आतपत्र घाम से जो रक्षा करता है उसको लेकर खड़े हो गए रथ पर। है सखा श्री कृष्ण बैठे थे रथ पर, तो रथ के ऊपर अर्जुन छत्ता तान कर खड़े हो गए। आतप कहते हैं घाम को, त्र माने त्राण करने वाला, जो घाम से रक्षा करे उसको आतप त्र कहते। इसे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण पर घाम लग रहा था इसलिए अर्जुन छत्र लेकर खड़े हो गए। कैसा था वो आतप त्र? शीत श्वेत वर्ण का था और मुक्ता दान विभूषित, उसमें मुक्ता की मोती की मालाएं लटकी हुई थी उस छत्ता में। और कैसा था? रत्न दंडम, उसका जो डंडा था वो रत्न का बना हुआ था। ऐसे छत्ता को छत्र को लेकर गुड़ा के रथ पर खड़े हो गए। इसमें खड़ा होना नहीं लिखा गया है, जग्राह लिखा गया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बैठ करके तो छत्ता लगाया नहीं जा सकता था, इसलिए यहां खड़ा होना अपने आप छिपा हुआ छत्र लेकर खड़े हो। तो कोई कह सकता है कि क्या जरूरत है खड़ा होने की, कहीं पर उसको फिट कर देते और रथ पर छत्ता चलते रहता। जैसे उस दिन स्त्री ने प्रश्न किया था कि सीलिंग फैन है तो पंखा झलने की क्या आवश्यकता है? यह एक प्रेम है, अर्जुन उसको फिक्स कर सकते थे, क्यों फिक्स करे? देह किस काम आएगा? जब तक श्री कृष्ण रास्ते भर रहे, जब तक दिन रहा, तब तक लिए खड़े रहे, सेवा करते रहे। गुड़ा केस है, ऐसा नहीं कि कुछ देर के बाद बस तंद्रा आ जाएगी और छत्ता लिए गिर जाएंगे। गुड़ाका ईश है, गुड़ाका का अर्थ होता है तमोगुण, माया को गुड़ाका कहते हैं, निद्रा लक्षणा माया। अर्जुन को कभी निद्रा अपने वश में नहीं कर सकती थी, वे निद्रा लेते थे निद्रा को अपने में वश में करके, निद्रा के वश में नहीं थे। जैसे हम लोग गुड़ाका के वश में है,
रहते हैं रहते हैं भागवत में भी गुडाका चढ़ बैठती। हम गुडाका के ईश नहीं, गुडाका हमारा ईश हो गई है। तमोगुण जिसमें बिल्कुल नहीं, जो माया को जीत चुका है, निद्रा को जीत चुका है, अज्ञान को जीत चुका है, उसको गुडाकेश कहते हैं, गुडाका के स्वामी। अथवा गुडा का अर्थ है घुंघराला, केश मन केश बाल, अर्जुन के घुंघराले केश थे इसलिए उनको गुडा केश कहते। और गुडा केश के लिए यहां शब्द शुद्ध गोस्वामी क्या दे रहे हैं, प्रिय, प्रिय गुडा केश। किसके प्रिय? कृष्ण के प्रिय। कृष्ण के प्रिय गुडा केश ने अपने प्रियतम का छत्ता जगरा पकड़ लिया। अर्जुन कृष्ण के प्रिय हैं और अर्जुन के कृष्ण प्रियतम। ये देखिए सब, प्रिय गुडाकेश सीतात पत्रम जग्राह आतप्त जग्राह, किसके? प्रियतम के। प्रियतम के छत्ता को ले लिए, मतलब आप देखिए किसी व्यक्ति की किसी में आसक्ति हो तो उसकी सेवा करने में उसको सुख मिलता है। हम लोग पढ़ते हैं कि धनुर्धर दास एक ऐसे व्यक्ति थे, जब वो एक सेठ थे तो एक वेश्या में उनकी इतनी आसक्ति थी कि वेश्या के सिर पर छाता तान करके चलते और वेश्या का मुख देखते हुए चलते थे, पीछे पीछे चलते थे उसको देखते हुए छाता तान। तो श्रीरंग क्षेत्र में जहां श्रीपाद रामानुजाचार्य रहते थे, वे आए एक बार दर्शन करने के लिए। धनुर्धर दास उनका नाम नहीं था उस समय, धनुर्दास कुछ, बहुत बड़े सेठ थे। वेश्या में आसक्ति थी तो वेश्या को लाए मंदिर में, वैसे चलती थी और उसके आगे आगे उस पर छाता तान करके उसका मुख देखते हुए चलते थे, पीछे चलते थे, रिवर्स चल रहे थे। मंदिर में भी आए तो उसी तरह से। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने उनको देख लिया और देखे तो समझ गए, हाँ यही व्यक्ति भगवान के सौंदर्य से प्रेम कर सकता है, जिसको कोई लज्जा नहीं है इस मंदिर में, इतनी आसक्ति है कि ठाकुर जी की तरफ पीठ करके और वेश्या के मुखाम्बुज का आस्वादन कर रहा है। तो समझ गए कि इसमें तो प्रेम करने की वासना है, तो केवल विषय बदलना है, नहीं कहीं भगवान के रूप को ये देख लेगा तो भगवान का परम प्रेमी हो जाएगा। तो उसको बुलाया उन्होंने अपने कुटीर में और कहा कि तुम क्यों इस तरह से छत्ता लगा करके चल रहे हो, इसके आगे आगे इसका मुख देखते हैं। तो कहा कि मुझे बहुत प्रेम है, मैं इसको देखे बिना नहीं रह सकता, बहुत सुंदर हूं। तो आचार्य ने कहा कि यदि इससे सुंदर मुख देखने को मिल जाए तो इसको छोड़ दोगे? क्यों नहीं, इससे सुंदर देखने को मिल जाए तो क्यों नहीं छोड़ दूंगा। तो रामानुजाचार्य जी अपने कुटीर से उठे, जाकर भगवान रंगनाथ से कहे कि इस बेचारे का जीवन धन्य कीजिए, आपने जो मोहिनी अवतार लिया था उसे दिखा दीजिए इसको। तो भगवान तो अपने भक्त के वश में है, उन्होंने धनुर्दास को अपना मोहिनी रूप दिखा दिया और उसी मंदिर में धनुर्दास रह गए, जीवन भर गए ही नहीं वेश्या के साथ, फिर परम सुंदर रूप भगवान का वो देख लिया। इस प्रकार जिसकी जिसमें आसक्ति होती है उसका वो छत्ता दिन भर धारण करने में क्या दुखी हो गया, तो आनंद आएगा। कवि ने लिखा है, बहुत साहित्यिक की भाषा है, कोई स्त्री मान कर गई, कोई प्रिया मान कर गई और उसका प्रिय व्यक्ति, उसका पति या प्रिय जो भी हो, मना रहा है उसको, गलती हो गई तुम खुश हो जाओ, ये हो जाओ, तो वो उसके चरण में गिरता है तो अपने चरणों से उसको मारती है, जाओ तुम पर कोई विश्वास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो व्यक्ति कहता है, दासी कृता गसी, उसका भाव यह है कि जब दास गलती कर दिया है, कोई भी दास गलती कर दे
तो यह उचित है कि स्वामी उस पर पदाघात करे, पैर से मारे उसको शुद्ध करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। तो हमें इसका कोई दुख नहीं है, मुझसे अपराध हो गया है, मैं दास हूं, तुम चरण से मार रही हो, मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन दुख एक ही बात का है कि जब तुम मुझे अपने चरणों से मारती हो तो तुम्हारे चरण के स्पर्श से मेरे शरीर में रोमांच होता है, तो कांट जैसा शरीर हो जाता है, और फिर उस शरीर पर मारते हो तो तुम्हारे चरणों में व्यथा होती होगी, इसी बात का मुझे दुख है और कोई दुख नहीं। वाह, और उसके सिर पर, कंधे पर, पैर से मार रही है, इसका कोई दुख नहीं है। दुख है कि उसके कोमल चरण में मेरे शरीर से घाव लग रहा है। यह आसक्ति की पहचान है। इसीलिए यहाँ कृष्णस्य शब्द न देकर के माधवस्य शब्द न देकर प्रियतमस्य शब्द दिया गया। अर्जुन सखा है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के साथ एक सीट पर बैठ करके आनंद से चले, ड्राइवर हाँक रहा है और बाबू लोग पीछे कार पर बैठकर गप करते हुए चल रहे। सेवक हैं अर्जुन, यही भाव सबके साथ है। कृष्ण सब तरह से सेव्य हैं, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे राधा रानी हो, चाहे नंद बाबा हो, चाहे यशोदा हो, सब कृष्ण के दास हैं। यह सिद्धांत है। अर्जुन सेवा करते हुए चल रहे हैं और सात्यकी और उद्धव चावर डुला रहे, पंखा झल रहे हैं। अर्जुन छत्ता ताने हैं और वे दोनों पंखा झल रहे हैं। भगवान भगवान है वास्तव में। दोस्ती अपने जगह पर है, लेकिन जहां स्वरूप बताना होता है वहां पता चलता है। और जीव की शोभा इसी में है कि भगवान की सेवा करे। तो अर्जुन परम आसक्ति से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। रामायण में वर्णन है एक बार कि सीता और लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की उसी तरह सेवा करते थे कुरुक्षेत्र में। सेवहि राम लखन रघुबीर ही जिनी अविवेकी पुरुष शरीर है। जैसे अविवेकी बुद्धू आदमी शरीर की सेवा करता है, रात दिन इसी को सजाता है, खिलाता है, पिलाता है, वैसे सीता और लक्ष्मण जी राम की सेवा कर रहे थे। अविवेकी पुरुष जैसे शरीर में आसक्त रहता है, उस तरह से वे लोग राम में आसक्त थे। प्रियतम शब्द यहां बहुत महत्व रखता है। और प्रिय व्यक्ति जब सेवा करता है तो उस सेवा को व्यक्ति स्वीकार भी करता है, स्नेह से करता है। तो अर्जुन छत्र लेकर खड़े हो गए और उद्धव सात्यकी चैव व्यजने परमाद्भुत, व्यजन पंखा को कहते हैं, परम अद्भुत पंखा लेकर उद्धव और सात्यकी बगल में खड़े हो गए। कृष्ण को झलने लगे, विकीर जुमार उसमें रेजे मधुपति पति। तो मधुपति रास्ते में बहुत अच्छे लग रहे थे, उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जहां तहां ब्राह्मणों के आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे, अश्रुयम तो सुन रहे थे कृष्ण, उनके आशीर्वाद सुने जाते थे, आशीष सत्य सत्य आशीर्वाद। सत्य आशीर्वाद का अर्थ है कि जो आशीर्वाद श्री कृष्ण में पहले से ही विद्यमान थे। जैसे मान लीजिए कोई आशीर्वाद दे रहा है चिरंजीवी भव, तो श्री कृष्ण तो ऑलरेडी चिरंजीवी, इसलिए जो उनमें सत्य माने है वो आशीर्वाद दे रहे थे। अन्य जीव पहले से नहीं रहते, उनको आशीर्वाद दे करके वैसा बनाया जाता है। और श्री कृष्ण में वो सब आशीर्वाद विद्यमान है, ब्राह्मणों की वाणी सफल हो रही, उनके वाणी के कारण कृष्ण में गुण नहीं आ रहा है। कृष्ण के गुणों का वर्णन करने से ब्राह्मणों की वाणी सत्य हो रही, तो आशीर्वाद दे रहे थे चिरंजीवी भव, सुखी भव, निर्विघ्न यात्रा हो, स्वजनों को सुखी करो। तो सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि द्विजेरिता ब्राह्मणों के द्वारा कहे हुए आशीर्वाद जगह जगह सुनाई पड़ते थे, तो वे कृष्ण के अनुरूप भी थे और अनुरूप नहीं थे, नानुरूपानुरूपा। श्री कृष्ण के लिए वह ठीक भी थे और नहीं भी ठीक थे, क्योंकि निर्गुण से गुणात्मन उनके अनुकूल नहीं थे,
अनुरूप नहीं थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण निर्गुण है। जो निर्गुण है प्रकृति से पार है और उसको कहा जाए सुखी भाव, तो दुखी है ही नहीं, वो सुखी भाव क्या कहा जाएगा? जो गुणों के भीतर है वह दुखी रहता है, तो उसको आशीर्वाद दिया जाता है सुखी भव। और जो प्रकृति से पार है, स्वयं सुखमय है, आनंद का स्वरूप ही है, तो उसको कहना कि सुखी भव यह उसके अनुरूप नहीं है। लेकिन गुणात्मना के लिए अनुरूप था। जब लीला कर रहे हैं जादव के रूप में और इनके भी शत्रु तथा कथित हैं, तो उनको कहना कि सुखी रहो, निर्विघ्न यात्रा हो, ये ठीक है। उनके मतलब लीला के अनुसार, लीला की दृष्टि से वो सब आशीर्वाद ठीक थे। श्रीकृष्ण एक जादव हैं और ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं, श्रीकृष्ण के शत्रु भी हैं, रास्ते में कोई विघ्न हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो आशीर्वाद ठीक था लीला के अनुरूप। लेकिन उनकी स्थिति के अनुसार तो कोई अनुरूप नहीं था। जहां तहां ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे थे, पूरे परिवार के साथ सुखी रहो बेटा, तुम्हारी यात्रा निर्विघ्न हो, चिरंजीवी रहो, सुखी रहो, तो श्री कृष्ण के लिए ठीक भी थे, नहीं भी ठीक थे। गोस्वामी कौन, लीला की दृष्टि से ठीक थे, लेकिन भगवान के स्वरूप की दृष्टि से ठीक नहीं थे। अच्छा, ये ब्राह्मण तो आशीर्वाद दे ही रहे थे, अब हस्तिनापुर की नारियां कृष्ण के विषय में बोलना चालू करती हैं। छतों पर जो चढ़ी थी, छतों पर चढ़ी थी कृष्ण को देख